तैयार कहीं ना रखना तो तैयार क्यों करियो नजर नजर लग गई होगी बच्चा ना कि सासों पे तो कर रखना पड़ा आशी राल बार रखूंगा तो फिर लोगों का ही कहेगा कि देख आशी राल बार रखा तो रही था एक तो बोलते परेशान कर रही खूब रड़ी रही ना खूब परेशान कर रही बगल में से दादी बुले लावा के हाँ जरा बुले ला दू हाँ जाइ रे बड़ी भाई बुले लाऊ राम राम भाई राम 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 आओ बैठो काई को लाड़ी भाई एक देखो नी बोलते परेशान कर रही है दो तीन बार दस्त बैठी लिया पतला दस्त लगी था हाँ पतला दस्त बैठी रही दो तीन बार बैठी ली देखो तो माँ होगा हाँ देखो जरा काई को बेटा तू क्योंकि आग भी धसी रही पेट भी हो जाए तो सोच तो हुई गई हाँ दो तीन बार दस्त बैठी ली वा हाँ लाड़ी भाई मैं कहा लगा चाहिए डायरिया हुई गई डायरिया कस हुई गई नहीं साफ सफाई नहीं रखी रहा कोई संक्रमण से अगर डायरिया हुई गोच साफ सफाई तो बहुत रखो जाओ तो लाड़ी थारी बड़ी बुढ़िया कहाँ छे अंदर छे हाँ तो बुलाओ खे शिवानी आई रही हूँ मम्मी ये भाई का ही कह रहा तू ये भैया की तबीयत खराब हो गई तो आशा भाई को बुलानो तो हाँ तो वो कह लू की ओ आर एस को घोल भी धर ले साथ में और जिंक टैबलेट भी लाए साथ में है नी हाँ को बहनों का भैया बहनों की तबीयत खराब हो गई दस्त बैठी रही जा आशा भाई को बोले लो लाड़ी भाई अगर कहीं खिलाए पिलाए कि नहीं नहीं मैंने तो कहीं भी नहीं खिलाए वो मैंने कही कि वो दस्त बैठी रही पेट खाली रहेगा एक वजह से मैंने कहीं नहीं खिलाए पिलाए वो एक वजह से मन के दस्त अच्छा हो जाएगा जब भी बच्चा का दस्त लगा तो खिलानो पिलानो बंद नहीं करना हुई क्योंकि दस्त में तो बच्चा का खवानो पिलानो जरूरी है ऊपरी हार अपने स्थान पान के साथ में दूध का साथ में ऊपरी हार भी देना जरूरी है बच्चा का शरीर में पानी की कमी हुई जाए तो वो पानी की कमी का वो पूरी कर राम राम भाई राम राम आओ बहन जी बैठो खा दीजिए राम 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 कहीं को भाई एक दस दस्त लग गया हाँ आशा भाई ये लाड़ी भाई ने मगर बतायो कि बच्चों सवेरे से दस्त करी रोज चार पांच बार उन्होंने पतला दस्त करी लिया एक लिए तुमको बुलाया झमला क्यों भाभी फिर ऐसा कहीं दूध पानी बंद तो नहीं करे तुम ना नहीं मना तो बंद कर दिया था मगर भाई ने बोली तो मना अभी पिलायो भाई ने बोले कि खिलाना पिलाना बंद मत कर दस तो ही रहा तो कम से कम खाना पीना तो बंद नहीं करना नहीं तो वहाँ तो पानी की कमी हो जाएगा मगर मालूम नहीं मना सोचे कि वो दस तो बैठी रहे तो एक वजह से मैंने उसको दूध कहीं नहीं पिलायो चलो हम तो पिले रहा नहीं हाँ भाई ने मको बोले तो पिले लाओ बताओ तो भाभी तुम्हारी छोरी खा जरा पेट भी सब अंदर रही रहे हो आंख भी सब अंदर घुसी रही लगा डायरी हो गई कहीं बात कर रहे हो हाँ रोमत हूँ एक ओआरएस को घोल बने का पिला दियो है ना हाँ भाभी मैं साबुन ना बाल्टी लाइन दे दियो पहला हाथ धोया हूँ फिर ओआरएस को घोल बनाना बताऊँ भाभी चलो अभी तो एक बार हाथ पाँव धोकर बनाए था बता दो लेकिन और कभी भी यदि जरूरत पड़े ना तुम भी जब भी ओआरएस को घोल बनाओ तो सबसे पहले साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धो लीजिए है ना आओ अब हम ओआरएस को घोल बनावन छे एक साफ भगोना में एक लीटर हैंडपम्प या नल को साफ पानी लेओ नहीं तो पांच गिलास पानी भी ले सकान अब यम एक पैकेट ओआरएस को नाखो न चम्मच सी अच्छी तरह से घोड़े लेओ नहीं का एक साफ कटोरी में लई ना बाड़क का बार बार प्याड़ो यदि घोल पेण का बाद बाड़क उल्टी कर दे तो 10 मिनट का बाद फिर से प्याड़नो चाहिए ये ओआरएस को घोल अब तैयार हो गए है नी फिर 24 घंटा का बाद देखा खत्म कर दीजो ना दूसरा दिन दूसरा बना लीजो देखा फेंक दीजो नहीं साथ में जिंक की गोली छे है नी तो ये तुम्हारी गुड़िया अब 9 महीना की होगी तो देखा एक गोली तुम्हारा दूध का साथ और नहीं तो फिर साफ पानी का साथ घोली खा एक पिला जो देखो लाड़ी भाई हम तुमको ओआरएस का फायदा बताऊं ओआरएस नमक की कमी का पूरा करज पानी की कमी का पूरा करज और एक बाद में बच्चा का तंदुरुस्त बनावज और यदि जैसा कि बच्चा का पानी की कमी से जान जाने की संभावना रहे हाँ। तो ये जान लेना बीमारी से एक बचाए हाँ। और एक अच्छे तो बता रही को ये तुमका जो जिंक की गोली से हाँ। ये जिंक की गोली भी ये जैसे दिन में 3 बार लेटरिन कर रही हाँ। तो एक ऐसी छे नी ये गोले खाना से
ये मात्रा कम हो जाएगा। हाँ। तो ये 3 महीना तक बच्चों ये दस्त की बीमारी से दूर है। आशा दीदी मुझे एक बात बताओ तो, मैं तो बड़ी साफ सफाई रखूँ, जब भी मैं थोड़ी बीमार कैसे पड़ी गई? भाई तुम अपन अपना घर की आसपास की तो साफ सफाई रखी लेवान, घर में भी रखी लेवान, लेकिन जैसे अपना अपन लेटरिन जावान या अपन कपड़ा लत्ता धोवान है नी, तो जो पानी बाहर बह के जाए तो मक्खी बटे बाहर गोबर वगैरह पड़े रहे ओपे मक्खी बटे, वही मक्खी बटे अपना घर में भी आई जाए तो अपने या तो खानो खुल्लो रहे या कहीं रहे, तो आसो साफ सफाई से रखो। तो ये सब कारण नसी गंदो पानी पीवान, जैसे अपन पानी तो भरी लेवान लेकिन कभी जब गंदो पानी आए तो का छानता नहीं है ना, वही पानी पी ले अपन भी पीवान बच्चा का भी पीवान, तो एकासे बच्चा का दस्त लगा। अच्छा अब हम चला नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बच्चों शाम तक अच्छा हो जाएगा। अपनाने वाला मुख्य बिंदु नना, जब बाड़क दिन में 3 से 4 या अधिक बार पतली टट्टी करज तो एक दस्त कहांज। दस्त लगना पर बाड़क ORS का घोल का साथ में झिंक की गोड़ाई देनु जरूरी छे। झिंक की गोड़ाई 14 दिन तक देयाज। ORS का घोल बनावना से पहला हाथ नख साबुन से धोनो चाहिए। एक बाद 4-5 गिलास पेड़ को साफ पानी में ORS का पैकेट काटी न अच्छा सी घोड़ी लियो। एक साफ कटोरी में ORS का घोल लई न चम्मच सी जरा जरा सो प्याड़ो। ये घोल हर दस्त का बाद देता रहो न 24 घंटा या 1 दिन में प्याड़ देव न दूसरा दिन फ्री बनाई लियो। झिंक की गोड़ी दस्त लगना से कमजोर हुएल बाड़क ताकत देज न अगला 3 महीना में दस्त लगना की संभावना ख कम करज। एकलेन झिंक की गोड़ी दस्त बंद होना का बाद भी 14 दिन तक देता रहनु चाहिए। दस्त का दौरान बाड़क को खावनो पीणो बंद नहीं करनु चाहिए न बाड़क का भोजन में दाल चावल खिचड़ी उबड़ेल आलू दही दही सकांज। और 2 साल से कम उम्र का बाड़क दस्त होना पर भी माँ को दूध प्यारता रहो। Thank you.